का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर ने स्थितियों को भयावह बना दिया था। स्थितियों में लगातार सुधार आ रहा है और दूसरी लहर पर नियंत्रण भी पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी लगातार दी जा रही है। इंदौर शहर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाया जा रहा है, जिस कड़ी में एक और सेंटर बनाया गया है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और शहर की जनता को सुविधा देने के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उसी के चलते एक और वैक्सीनेशन सेंटर एमरल्ड हाइट्स स्कूल में बनाया गया, जिसका शुभारंभ किया गया। यहां 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग अपनी गाड़ी में बैठकर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। कन्नौर आया अभियुक्त का है, युवाओं का है, बेटी का है, बहन का है, पिता का है, पुत्र का है, क्योंकि आप जानते हैं बस्ती में इसके पीछे मूल धारणा यह है कोविड है कि आपदा या दूसरा के साथ हम जनता का टीका पालन करेंगे। और दूसरा हमने जो बात लगा रही इसको हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, 18 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर सभी माता बहनों, युवा तरुण बेटी बेटियों से अनुरोध कर सकता हूँ, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। इस